युक्रिस्तीय प्रभु येशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र युक्रिस्तीय प्रभु येशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र युक्रिस्तीय प्रभु येशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें, आज के इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि उस प्रभु ने हमें आज नया दिन दिया है, इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं, इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हम आनंद मनाते हुए प्रभु की स्तुति करें, अपने शक्तिशाली त्राणकर्ता का गुणगान करें, हम धन्यवाद देते हुए उसके पास जाएं, उसके भजन गाते हुए उसे धन्य कहें, क्योंकि हमारा प्रभु शक्तिशाली ईश्वर है,
वह सभी देवताओं से महान अधिपति है। आमीन। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हाले हाले लुया हाले लुया हाले लुया हाले हाले लुया हाले लुया थिस्सलुनीकियों के नाम पहले पत्र में प्रभु का वचन कहता है, आप लोग हर समय प्रसन्न रहें, निरंतर प्रार्थना करते रहें, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि ईसा मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में ईश्वर की यही इच्छा है। Yes, Lord. जब प्रभु हमसे यही कहता है कि हमें कुछ नहीं करना है, प्रभु की आराधना करना है, सबसे आगे प्रभु का नाम रखना है, तो हम इतना क्यों सोचते हैं? क्यों हम दुनिया के मोह माया में पड़े रहते हैं? हम क्यों भूल जाते हैं कि हमारा एक ही उद्धार करता है, जिसने हमें बनाया है, जो हमारे आगे चलता है, हमें सही मार्ग हमेशा दिखाता है। Yes, Lord. क्यों हम उसकी आवाज को सुन नहीं पाते हैं? आइए आज इस समय इस क्षण हम प्रभु की स्तुति करें। हम सब मिलकर इस गीत को गाते हुए प्रभु की स्तुति करेंगे, क्योंकि उसके अलावा हमारा कोई और उद्धार करता नहीं है। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। फिर से गाएंगे इस गीत को। सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकू प्रभु, घुटने में टेकू बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु तू मेरा पिता। सारे जहां में फिर से गाएंगे। सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं, सब मिलकर गाएंगे, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेको प्रभु, घुटने में टेकू बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु तू मेरा पिता। हाले हाले Hallelujah, 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 हो तेरी स्तुति, हो तेरी स्तुति
और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना महिमा से तेरी तू इस जगह को भर जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु जब इस लोक से जाने से पहले सभी लोगों को विशेष रूप से उनके शिष्यों को ये आदेश दिया कि वे दुनिया के कोने कोने में जाकर प्रभु के सुसमाचार की घोषणा करो, और कई सारे शिष्यों ने कई जगह पर जाकर उनके सुसमाचार की घोषणा किया, और ये घोषणा करते समय उनके जीवन में कई सारे दुख तकलीफों का सामना करना पड़ा, लेकिन तभी भी वे लोग प्रभु से दूर चले नहीं गए, बल्कि प्रभु के साथ रहकर उन पर पूर्ण भरोसे के साथ जीवन में आगे बढ़ा और वे लोग मुक्ति प्राप्त किया और हमारे लिए एक नमूना बनकर हमारे सामने है और हमारे साथ है। आइए हम आज के सुसमाचार सुने, और प्रभु आज भी हमें ये आदेश दे रहे हैं कि हमें भी प्रभु का सुसमाचार की घोषणा करना है, और साथ ही साथ उसके साथ आने वाले भी अत्याचारों का भी सामना करना ही है। हम सुनेंगे कैसे इस अत्याचारों का सामना कर सके और प्रभु के साक्षी बनकर मुक्ति प्राप्त कर सके। संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 21 पद संज्ञा 12 से लेकर, ये सब घटित होने के पूर्व लोग मेरे नाम के कारण तुम पर हाथ डालेंगे, तुम पर अत्याचार करेंगे, तुम्हें सभागृहों तथा बंदीगृहों के हवाले कर देंगे और राजाओं तथा शासकों के सामने खींच ले जाएंगे। ये तुम्हारे लिए साक्षी देने का अवसर होगा। अपने मन में निश्चय कर लो कि हम पहले से अपनी सफाई की तैयारी नहीं करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसी वाणी और बुद्धि प्रदान करूंगा जिसका सामना अथवा खंडन तुम्हारा कोई विरोधी नहीं कर सकेगा। तुम्हारे माता पिता, भाई, कुटुंबी और मित्र भी तुम्हें पकड़वाएंगे। तुम में से कितनों को मार डाला जाएगा, और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, फिर भी तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका नहीं होगा। अपने धैर्य से तुम अपनी आत्माओं को बचा लोगे। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28 पद संज्ञा 18 से 20 तक प्रभु ने यह आदेश दिया था, मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है, इसलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिया है तुम लोग उनका पालन करना उन्हें सिखलाओ, और याद रखो मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। प्रभु हमें ये आदेश दिया है, एक सुझाव नहीं है बल्कि आदेश है कि हम जहां कहीं भी जाते हैं, जिन लोगों से मिलते हैं, उन्हें प्रभु के इस सुसमाचार की घोषणा करते रहना है। लेकिन जब हम प्रभु के लिए कार्य करते हैं तो हमें कुछ न कुछ दुख तकलीफ भी उठाना होगा, और ये होना अनिवार्य भी, और प्रभु ने ये बताया है कि हमें इसका सामना करना ही है, तो इससे बचने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर हम प्रभु के लिए कार्य करते हैं तो दुख तकलीफों, कठिनाइयां, परेशानी और अत्याचार का भी सामना करना है। लेकिन जब हम इस प्रकार के अत्याचार का सामना करते हैं तो हमें डरने की कोई बात नहीं, बल्कि प्रभु पर पूर्ण रूप से भरोसा रखते हुए आगे बढ़ना है।
यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 12 पर से 2 में हम पढ़ते हैं, देखो प्रभु मेरा उद्धारक है, वही मेरा भरोसा है, अब मैं नहीं डरता, क्योंकि प्रभु मेरा बल है और मेरे गीत का विषय, प्रभु ने मेरा उद्धार किया है। ये विश्वास के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें कोई डरने की बात नहीं। जब हम प्रभु से दूर चले जाते हैं तभी हमारे अंदर बहुत सारे डर उत्पन्न होते हैं। तो हम जांच करें, क्या मैं प्रभु के साथ मिलकर प्रभु की सेवा में लगे रहता हूं, या अपने स्वार्थता के कारण कुछ कार्य कर दिखाने के लिए कोशिश करता हूं। जब हम प्रभु के साथ हैं तो हमारे सब कुछ प्रभु ही संभालेगा। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 31 पसंग 6 में हम पढ़ते हैं, दृढ़ बने रहो और ढारस रखो, भयभीत ना हो और उनसे मत डरो, क्योंकि तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हारे साथ चलता है, वह तुम्हारा विनाश नहीं करेगा और तुमको नहीं छोड़ेगा। प्रभु का इस वचन हमें कितना आश्वासन और सांत्वना प्रदान करते हैं। प्रभु हमारे साथ है, हमें सिर्फ दृढ़ बने रहकर उनके साथ रहना काफी है, हम फिर किससे डरते हैं। और जब हम इस प्रकार के कार्य करते हैं, प्रभु के लिए अपने जीवन को पूर्ण रूप से समर्पित करते हैं, उनकी सेवा के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं, तो ये तो पक्का है, तो हमारी मुक्ति हो जाएगी और हम जो कुछ करते हैं और कुछ लाभ के लिए नहीं बल्कि हमारी मुक्ति हो जाए। आज के सुसमाचार में प्रभु कहते हैं, अपने धैर्य से तुम अपनी आत्मा को बचा लोगे। तीतुस का ग्रंथ अध्याय 2 प्रसंग 11 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि ईश्वर की कृपा सभी मनुष्यों की मुक्ति के लिए प्रकट हो गई है। तो हमें इस मुक्ति का अनुभव होने के लिए, प्रभु के साथ आनंद जीवन में हमारा जीवन बिताने के लिए हमें दुख तकलीफ झेलना है, और हम अकेले नहीं बल्कि प्रभु हमारे साथ है। प्रभु का वचन हमें सांत्वना प्रदान करते हैं, हम प्रभु पर भरोसा रखते हुए प्रभु के लिए कार्य करने के लिए आगे आना चाहिए। क्या हम हमारे जीवन में थोड़ा बहुत समय प्रभु के कार्य के लिए अर्पित कर पा रहे हैं? क्या हम प्रभु के वचन को पढ़ते हुए, उस पर मनन चिंतन करते हुए प्रभु के कार्य करने के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं? हम प्रभु पर पूर्ण भरोसा रखते हुए, उनकी सुरक्षा का अनुभव करते हुए जीवन में आगे बढ़ने के लिए कोशिश करें और अपनी आत्मा को बचाने के लिए कोशिश करें। नबी के ग्रंथ अध्याय 53 पद संख्या 5 में प्रभु का वचन कहता है, उसके घावों के द्वारा हम भले चंगे हो गए। यही बात संत पेत्रुस अपने पहले पत्र अध्याय 2 पद संख्या 24 में भी कहते हैं, उसके घावों के द्वारा हम भले चंगे हुए हैं। प्यारे भाई और बहनों, हमारे अंदर बहुत सारे घाव है, आंतरिक घाव है, मानसिक घाव है, शारीरिक घाव है, इमोशनल भी हर्ट है। हम हमारे पूरे घावों को आज हम प्रभु को समर्पित करें। तसलोनियों के नाम लिखे पहले पत्र अध्याय 5 पद संख्या 23 में संत पौलुस हमसे कहते हैं, प्रभु चाहते हैं कि आपका शरीर, आपका मन और आपकी आत्मा सब स्वस्थ रहे,
हालेलुया। इसलिए आज अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी आत्मा को, हमारे सारे इमोशनल घावों को प्रभु को समर्पित करें और उससे कहे, प्रभु तेरे नाम के सामर्थ्य से ये मेरे जीवन से हट जाए, पूर्ण रूप से मुझे चंगाई मिले। इस विश्वास के साथ हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, फिलोमीना टोपो के लिए जो टीबी के रोग से ग्रस्त है प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं सुबोध कुमार, रवि कुमार टोपो के लिए प्रभु, विशेष रूप से इनके परिवार के सभी सदस्यों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, इनके परिवार में सभी लोगों को अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त हो प्रभु, और इनके परिवार में आपकी आशीष हो। हम प्रार्थना करते हैं छजरस मेन चौरोहित होरो के लिए प्रभु, सभी शारीरिक रोगों से इन्हें संपूर्ण चंगाई दीजिए। प्रार्थना करते हैं विनीता थॉमस के लिए प्रभु जी, जिन्हें गॉल ब्लैडर स्टोन है और पूर्ण चंगाई के लिए प्रभु वह प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु इस व्यक्ति के जीवन में प्रभु शादी की आशीष हो, जितने भी रुकावट है वह सब हट जाए प्रभु। प्रभु आज की इस नित्य आराधना में, इस स्तुति के समय प्रभु हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं उन सभी भाई बहनों के लिए जो अपने सुयोग्य जीवन साथी की खोज में है, प्रभु आपकी आशीष इनके जीवन में हो, जितने भी ब्लॉक्स हो वह सब हट जाए प्रभु जी, और इनके जीवन में प्रभु आपकी आशीष उतरे, इसके लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया, यीशु आराधना। हम विश्वास करके प्रार्थना करें, इतिहास नबी का ग्रंथ अध्याय 45 पद संख्या 2 का वचन, प्रभु हर प्रकार के बाधाओं को हटा देता है, हर प्रकार के बंधन को हटा देता है। प्रभु यह वचन हम बेच कर प्रार्थना करते हैं, यह वचन हम बोल कर प्रार्थना करते हैं, यह वचन पर विश्वास करते हुए प्रार्थना करते हैं, हर प्रकार के बंधन इनके परिवार से हट जाए प्रभु। Let the mighty deliverance in the name of Jesus. Oh Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Teri sudhi, 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 sudhi. Oh, aradhana, 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 aradhana. Vishwe aradhana. Chintit vyakul mera man. Asafal ka dar har kshan. Yes, Lord. जब कभी मैं खो जाऊं, Jesus, मुझको प्रभु मैं दिखा। Yes, Lord, Jesus, 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 सब मिलकर प्रभु का नाम लेकर हुए गाए। Jesus, 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 Jesus. कई बार हम हमारे जीवन में निराश होते हैं, हताश हो जाते हैं, दुखी होते हैं, इतनी सारी असफलता एक के बाद हमारे जीवन में आती है तो हमें लगता है प्रार्थना करने से, मेहनत करने से क्या फल होता है। जब हम देखते हैं वो व्यक्ति जो अच्छा एक जीवन नहीं जी रहा है लेकिन उसे सब कुछ प्राप्त होता है, और हम बहुत कोशिश कर पवित्र जीवन, विश्वास का जीवन जीना चाहते हैं लेकिन हमें सफलता प्राप्त नहीं होती, तो हमारे मन में बहुत प्रश्न उठते हैं, हम दुखी होते हैं, निराश होते हैं। लेकिन प्रभु कहता है जो दुखी है, जो निराश है, अपनी सारी व्यथा को, अपने सारे दुख को प्रभु को दे दो, क्योंकि वह तुम्हें संभालता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तोत्र ग्रंथकार हमसे कहता है कि प्रभु हमारी आंखों के आंसुओं को अपनी कुप्पी में जमा करता है, हमारी हर करवट को वो गिनता है। तो हमें देखने वाला, हमें जानने वाला, हमारे दुखों को समझने वाला, हमें सांत्वना देने वाला एक प्रभु के सामने, प्यारे भाई और बहनों, हम आज है, वो जीवित है, वो मृत था लेकिन वो आज जीवित है, इस विश्वास के साथ कि मेरे आंसुओं को पोंछने वाले प्रभु के सामने मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। हम प्रार्थना करते हैं आरोहित शाह के लिए प्रभु जी, जिन्हें किडनी की बीमारी है, उन्हें संपूर्ण चंगाई दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं अब्राहम के लिए, फ्रांसिस के लिए,
दानियल के लिए, नितिन के लिए प्रभु जी, प्रभु हर प्रकार की नशे के आदतों से इन्हें छुटकारा दीजिए। संजय के लिए प्रार्थना करते हैं, मनीष के लिए प्रार्थना करते हैं, हर प्रकार की नशे के आदतों से इन्हें छुटकारा दीजिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं अभिषेक एक्का के लिए, अमन के लिए और रीनू के लिए प्रभु जी, एक अच्छी सरकारी नौकरी देकर इन्हें आशीषित कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं गीताबाई तेकाम के लिए प्रभु जी, हर प्रकार के शारीरिक रोगों से उन्हें पूर्ण चंगाई दीजिए और सभी पारिवारिक बंधनों में प्रभु आपकी आशीष हो प्रभु जी। इनके फैमिली में जितने भी रिलेशंस हैं उस पर आपकी आशीष हो, इनके फैमिली में जितने भी बॉन्डेजेस हैं उसे तोड़कर प्रभु जी आपकी कृपा और आपकी उपस्थिति इनके परिवार में हो। प्रभु आज हम विशेष रूप से इस आशीष के द्वारा प्रार्थना करते हैं उन परिवारों के लिए जो किसी भी तरह के बंधन में फंसे हुए हैं, जहाँ पर परिवार में बहुत मृत्यु हो रही है, तलाक हो रहे हैं या एक के बाद एक बहुत बीमार पड़ रहे हैं, कुछ भी करें आर्थिक सुधार या बरकत नहीं हो रही है, हमारे बच्चे कितनी भी मेहनत करें लेकिन उन्हें अच्छे नंबर्स नहीं मिल रहे हैं, कितने भी जॉब इंटरव्यूज में जाए लेकिन हमारे लाइफ में एक ग्रोथ नहीं है, एक प्रॉस्पेरिटी नहीं है, ऐसे सारे बंधनों को आज प्रभु को समर्पित करते हुए इस आशीष के दौरान सभी दुखों को, सभी प्रॉब्लम्स को प्रभु को समर्पित करते हुए यीशु का नाम लेते हुए हम उसकी स्तुति करें। ओ जीसस 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 जीसस, ओ जीसस जीसस जीसस, ओ प्रभु यीशु आपके पवित्र नाम के सामर्थ्य से हर प्रकार के बंधन टूट जाए प्रभु जी, हर प्रकार की बेरोजगारी हट जाए प्रभु जी, लगातार जिनके जीवन में कर्ज हो रहा है वो सब हट जाए, बिजनेस में जो असफलता हो रही है वो हट जाए प्रभु जी, पढ़ने के बाद भी अच्छे नंबर्स नहीं मिल रहे वो ऐसी अवस्था हट जाए प्रभु जी। ओ जीसस 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 जीसस, जहाँ पर एक के बाद एक मृत्यु होती है ऐसी अवस्था हट जाए प्रभु जी। Thank you, Jesus. Jesus, let all the bondages be broken in the powerful name of Jesus. Thank you, Suti, 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 Suti. Oh, Aradhana, 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 Yeshua, Aradhana. Jesus, 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 Jesus. Mujhko log madad mange, pardesi jab prem khoje. Yes, Lord. Yesu, Yesu, Yesu. Yesu, Yesu, Yesu. Yesu, Yesu, Yesu. Yesu, Yesu, Yesu.